नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भयंगराज एक ऐसी वनस्पति है जो शरीर के सभी रोगों को निकाल कर बाहर फेंक देती है। यह सभी प्रकार के चर्म रोग, लीवर के रोग, बालों का झड़ना, बालों का पकना तथा बालों से संबंधित सभी प्रकार के रोग, पुराने चर्म रोग जैसे कि दांत खाज, खुजली, आँखों के रोग, गले के रोग, कान के रोग, दांतों के रोग, खून की कमी आदि को दूर करके शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक शक्ति को बढ़ाता है तथा कमजोरी दूर करता है। और भी काफी सारे अनगिनत औषधीय फायदे हैं इस पीले भयंगराज के। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जिस वनस्पति को हम आज तक एक साधारण सी वनस्पति समझ रहे थे, वह कितनी प्रभावशाली और अद्भुत वनस्पति है। तो चलिए इस वनस्पति की संपूर्ण जानकारी जानते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा पूरा देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको हमेशा काम आएगी। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। पहले हम आपको इस पौधे की पहचान करा देते हैं। यह भयंगराज का पौधा है और इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। सफेद फूल वाली, नीले फूल वाली, पीले फूल वाली। यह जो पौधा आप देख रहे हैं, यह पीले फूल वाला भयंगराज का पौधा है, इसलिए इसको पीला भयंगराज कहा जाता है। सफेद भयंगराज थोड़ा अलग होता है, उस पर सफेद रंग के पुष्प लगते हैं। भयंगराज की सभी प्रजातियां लगभग समान औषधीय गुण रखती है। भयंगराज का पौधा भारतवर्ष में लगभग सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। यह नदी नालों के आसपास और अधिकतर पानी वाली जगह पर देखा जाता है। वैसे तो आप यह पौधा साल भर तक देख सकते हैं, लेकिन वर्षा काल में अपने आप ही जहां वहां अधिक मात्रा में उग आता है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जो गहरे रंग के और किनारों से कटे हुए होते हैं। इस पर इस तरह के पीले रंग के पुष्प खिलते हैं और इस भयंगराज के पौधे को बाग बगीचों में सजावट के रूप में भी लगाया जाता है। यह भयंगराज का पौधा जमीन पर अपने आप ही फैलने लगता है और एक पौधे से अनगिनत पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कितनी अधिक क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसके पत्तों को तोड़कर मसलने से हरे रंग का रस निकलता है जो कुछ समय बाद काला पड़ जाता है। इसकी जड़ें मामूली सी छोटी छोटी होती हैं और इस भयंगराज को तोड़कर ऐसे ही जमीन में लगा दिया जाए तो वहां से भी यह पनपने लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको पहचानना बहुत ही आसान है। इस भयंगराज के पौधे को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको उसके कुछ नाम बता देते हैं, जिससे इस वनस्पति को पहचानने में आपको काफी सुविधा होगी। संस्कृत में इसको पीला भयंगराज, स्वर्ण भंगार, हरिवास, देवप्रिया, पीत भयंगराज, केसराज, हिंदी में पीला भयंगरा, गुजराती में पीतो भंगरो, मराठी में पीबा लबक, मलयालम में मन कलूनी और कन्नड़ में काल सारजी तथा बंगाली में वही मरा आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। तथा इसका वनस्पति का नाम है बेडेलिया चिनेंसिया। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हो, तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और उसको क्या नाम से जानते हैं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। आयुर्वेदिक मत अनुसार पीला भयंगराज कफवात शामक, वेदना स्थापन, नेत्रों के लिए हितकारी, दीपन पाचन, यकृत को उत्तेजित करने वाला, रक्तवर्धक, शोधहर, कुष्ठघन, कृमिघन, रक्तचाप, विषघन तथा शरीर को बल देने वाला होता है। यह ओज और क्रांति को बढ़ाता है तथा बल कारक और रसायन गुण से भरपूर है। यह सिर के बालों के लिए विशेष गुणकारी माना जाता है और यह केश बल कारक, वमन, कृमि निराशक, वेदनाहर, वृष्य तथा दीपन होता है। चलिए भयंगराज के कुछ औषधीय प्रयोग जानते हैं, जिसकी जानकारी से आप विभिन्न रोगों को दूर कर पाएंगे तथा आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। भयंगराज को अधिकतर बालों के लिए गुणकारी माना जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है, और ये बात पूर्णतः सत्य भी है, क्योंकि भयंगराज आपके शरीर के अंदर सभी अशुद्धियों को निकालता है, जिससे बाल जिस कारण से झड़ रहे हैं, सफेद हो रहे हैं या फिर जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसको भयंगराज खत्म कर देता है, जिससे बालों की समस्याएं दूर होने लगती हैं। तो सबसे पहले हम बालों की समस्याओं को दूर करने वाले प्रयोग आपको बताते हैं। बालों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग यह है कि आप इसके पत्तों को पीसकर रस निकाल लें और उस रस से सिर पर रोज मालिश करें। यदि बाल अधिक बड़े बड़े हैं तो उनको छोटा छोटा करा लें, ताकि बाल आपके कम झड़ें।
क्योंकि बड़े बालों पर अधिक दबाव पड़ता है और बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं। बालों की झड़ने की अधिकतर समस्या पुरुषों में होती है, महिलाओं में कम ही देखने को मिलती है। यदि महिलाओं में भी बालों की झड़ने की समस्या है तो वह इसके रस को लगाएं और खाने में भी इसका प्रयोग करें। वैसे इसके अलग अलग तरीकों से भी इसको प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि भृंगराज के संपूर्ण भाग को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से बालों की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होने लगती हैं। अब इसके कुछ औषधीय प्रयोग भी हैं। त्रिफला चूर्ण में भृंगराज के रस की 3 भावना देकर छाया में सुखाकर रख लें और प्रतिदिन 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से बालों की लगभग सभी प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं, खास करके बाल सफेद होना, आंखों की ज्योति आंखों से कम दिखाई देना, आंखों की ज्योति को ये बढ़ाता है, बालों का झड़ना रोकता है तथा पेट और लीवर की समस्याएं भी इससे दूर होती हैं। भृंगराज का चूर्ण, आंवले का चूर्ण और काले तिल, इन तीनों को समान मात्रा में मिलाकर मिश्री मिलाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से भी बालों की समस्याएं दूर होती हैं तथा असमय सफेद हो रहे बाल रुक जाते हैं और बाल पुनः काले होने लगते हैं तथा ये आयु को भी बढ़ाता है, एक रसायन की तरह काम करता है। यह सिर दर्द में भी बहुत ही अच्छा लाभ करता है। सूर्यवात यानी कि जब सूर्य निकलता है जब सिर में दर्द होता है, आधा सीसी सिर में एक तरफ दर्द होता है, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए भृंगराज का रस और बकरी का दूध दोनों को समान मात्रा में मिलाकर थोड़ा गुनगुना करके नाक में टपकाने से और भृंगराज के रस में काली मिर्च मिलाकर सिर पर लेप करने से सिर दर्द की समस्या दूर हो जाती है। आधा सीसी और सूर्यवात दोनों को यह ठीक कर देता है। आंखों के सभी प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए भृंगराज के पत्तों का रस निकालकर 2-2 बूंद आंख में टपकाने से आंखों के सभी प्रकार के रोग ठीक होते हैं, जैसे कि आंखों में पानी आना, आंखों में खुजली चलना, आंखों से कम दिखाई देना आदि समस्याओं में अच्छे लाभ मिलते हैं। आपने काफी जगह देखा होगा कि कुछ लोग कान में दवा डालते हैं जिससे दाढ़ का दर्द ठीक हो जाता है। दांतों में दर्द होने पर इस भृंगराज के पत्तों का रस निकालकर जिस तरफ के दांत दाढ़ में दर्द हो रहा है उसके दूसरी तरफ के कान में भृंगराज के पत्तों का रस कान में टपका देने से कुछ ही समय में दांत का दर्द ठीक हो जाता है। कभी कभी एक बार में लाभ ना हो तो इसको दूसरे तीसरे दिन भी कर लेना चाहिए। गले के रोग, कंठमाला में इसके पत्तों को पीसकर गले पर लेप कर देने से कंठमाला का रोग ठीक हो जाता है तथा गले की गांठ बैठने लगती है। भृंगराज का प्रयोग बुखार में भी किया जाता है और इसके पत्तों का रस निकालकर 1-1, 2-2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम पिलाते रहने से बुखार ठीक हो जाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगने की समस्या है वह भृंगराज के पत्ते और फूलों को छाया में सुखाकर सेंधा नमक मिलाकर 2-2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करते हैं तो उनकी पाचन शक्ति तीव्र हो जाती है और तथा भूख खुलकर लगती है। सभी प्रकार के चर्म रोगों को दूर करने के लिए भृंगराज उत्तम औषधि है। इसको खाने में प्रयोग करना चाहिए तथा इसको लगा भी सकते हैं। इसके पत्तों को पीसकर चर्म रोगों पर लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। घाव और फोड़े भी ठीक होने लगते हैं। भृंगराज के पंचांग का चूर्ण सुबह शाम सेवन करने से रक्त की शुद्धि होती है जिससे चर्म रोग ठीक होने लगते हैं। चर्म रोगों को दूर करने के लिए एक और प्रयोग है, भृंगराज के रस में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर रोज 21 दिन तक सुबह सुबह खाने से भी सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। भृंगराज का तेल भी बनाया जाता है। भृंगराज के पत्तों को तिल्ली के तेल या फिर नारियल के तेल में पकाकर छान कर रख लें और इस तेल को आप सिर पर लगाते हैं तो बालों की सभी समस्याएं दूर होती हैं तथा ये फोड़े फुंसियों पर भी लगाया जा सकता है। हाथ पैरों में जलन और शरीर पर खुजली चलने पर इसके पत्तों का रस निकालकर शरीर पर मालिश करने से तुरंत आराम मिलता है। भृंगराज कफ के रोगों को भी दूर करता है। इसके पत्तों का चूर्ण या फिर इसके पत्तों का रस सेवन करने से कफ के रोग दूर होते हैं। जो लोग अत्यधिक दुबले पतले हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वह भी इस भृंगराज का प्रयोग करके अपने शरीर को हष्टपुष्ट और बलवान बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। भृंगराज के 1 ग्राम चूर्ण को मिश्री और घी मिलाकर सेवन करने से 1-2 महीने के अंदर ही शरीर हष्टपुष्ट होने लगता है और शरीर का वजन बढ़ता है, भूख खुलकर लगती है। भृंगराज का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है जो हम आपको बताने वाले हैं। भृंगराज का चूर्ण, काले तिल और आंवले का चूर्ण, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं और उसमें इन तीनों के बराबर गुड़ या फिर मिश्री मिलाकर अच्छे से मिक्स करके चूर्ण बनाकर रख लें और फिर रोज 10-10 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ सुबह शाम सेवन करें। कुछ महीनों के प्रयोग से ही शरीर के अंदर अत्यंत बल की वृद्धि होती है। यह एक बहुत ही पौष्टिक शक्तिवर्धक रसायन है।
यह बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता। इसका नियमित प्रयोग करने से बालों का झड़ना, बालों का असमय सफेद होना रुक जाता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, भूख बढ़ती है, पाचन शक्ति ठीक होती है, लीवर के सभी रोग दूर हो जाते हैं, चेहरे की झुर्रियां खत्म होने लगती हैं, तथा चेहरे पर ओज आता है, तथा दुबला पतला शरीर हष्टपुष्ट होने लगता है, तथा व्यक्ति दीर्घ आयु जीता है। अगले प्रयोग में जो बच्चे मिट्टी खाने की आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनको भृंगराज के पत्तों का रस सेवन कराना चाहिए। भृंगराज के पत्तों के रस के सेवन से बच्चों की मिट्टी खाने की आदत छूट जाती है। वैसे तो इस भृंगराज के और भी काफी सारे अनगिनत औषधीय फायदे हैं, जो आप अलग अलग रूप में सेवन करके लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। यदि आप इस भृंगराज के पौधे को या फिर इसके चूर्ण को खरीदना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटी विक्रेता के यहाँ से इस चूर्ण को मंगा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। यदि इस भृंगराज के पौधे के संबंध में आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है, विचार है, या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर अपनी कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।